चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर मलिक और आप लोग देख रहे हैं मलिक हसन टीवी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे द सिलेंडर मैन के बारे में। द सिलेंडर मैन दुनिया की अजीब तरीन महलूक है या दुनिया का एक अजीब तरीन किरदार है। इसके बारे में सबसे पहले 2009 में इंकशाफ किया गया कि ये हमेशा काले कपड़ों में रहता है और लंबे का दुबले जिस्म और बग़ैर चेहरे के हमारे दरमियान में मौजूद है। इसके बारे में अब तक किसी भी किस्म का साइंसी दावा नहीं किया गया। अलबत्ता कई तरह की इनफरादी कहानियां हैं जो इसके होने या ना होने के बारे में बात करती हैं। मिसाल के तौर पर स्लेंडरमैन द जंगल एक ऐसी कहानी जिसमें 8 और 12 साल की उम्र की दो लड़कियां जंगल में जाती हैं और उनके सामने एक अजीब महलूक नमूदार होती है बकोल, और वो उनको अपने साथ ले जाती है। बकोल उन लड़कियों के उसके वो महलूक सियाह कपड़ों में मलबूस थी। उसके चेहरे पर नाक कान बाल बिल्कुल भी नहीं थे और ना ही उसका कोई चेहरा था। इसी तरह कुछ अरसा स्लेंडरमैन पब्लिक के सामने आया जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर चढ़ रहा था, और उसके लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर चढ़ना नहायत ही आसान था। इसी तरह एक और वीडियो जो कि मंजरेआम पर आ चुकी है, उसमें कुछ शरारती बच्चे दूसरों के घरों का दरवाज़ा दूसरों के घरों की डोर बेल बजाते हैं और उसके बाद वापस भागते हुए आते हैं। वापस भागते हुए आते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनका एक साथी उनके साथ नहीं है। वो पीछे देखते हैं तो उनका एक साथी सिलेंडरमैन के पास खड़ा होता है और सिलेंडरमैन उसे पकड़ा हुआ होता है। कुछ ही देर बाद वो महसूस करते हैं कि उनका एक और साथी उनके साथ नहीं है और वो भी उनको थोड़ी देर के बाद सिलेंडरमैन के साथ नजर आता है। वो सिलेंडरमैन उन दोनों को लेकर गायब हो जाता है। सिलेंडरमैन का एक और शिकार भी एक नन्ही बच्ची निकली जो अपने वालद के साथ कमरे में खेल रही थी। जब उसके वालद ने उसे कमरे से बाहर झांका तो उनको सिलेंडरमैन की एक झलक दिखाई दी। वो कैमरा लेकर उस झलक को रिकॉर्ड करने के लिए गए तो सिलेंडरमैन वहां पर मौजूद नहीं था। पर जब वो वापस आए तो उनकी बच्ची भी वहां पर मौजूद नहीं थी। वो दोबारा बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची सिलेंडरमैन के हाथों में हाथ डालकर उसके साथ जा रही थी, और कुछ ही देर के बाद उस बच्ची की लाश बरामद हुई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को हमेशा खुदा हाफिज़।